बच्चों, आज हम आपकी जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसके अंतर्गत जो पोइट्री सेक्शन है उसमें हम आपकी जो पोम नंबर 4 है जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदर वस्तु है, सुंदरता के बारे में। अर्थात यहाँ पर थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोम है उसका सार ये है कि जो सुंदर चीज़ है वो हमें सदा से ही आकर्षित करती रही हैं। सुंदर चीज़ें, सुंदर वस्तुएं जो हैं वो हमको हमेशा आशा उत्पन्न करती हैं, प्रसन्नता देती हैं, और इनकी उपस्थिति हमारी निराशाओं के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हमको उनको दूर करने में मदद करती हैं। इसलिए जो सुंदर वस्तुएं हैं वो हमेशा प्रेरणादायक काम करती हैं। तो चलिए देखते हैं इसके पोएट कौन है। इसके जो पोएट हैं वो बहुत फेमस पोएट है जिनका नाम है जॉन कीट। अब हम देखेंगे अबाउट द पोएट। जॉन कीट्स 1795 टू 1821 वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। ऑल्दो ट्रेंड टू बी अ सर्जन, कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोएट्री। अब यहाँ पे बताते हैं जॉन कीट्स जिनका जीवन काल रहा 1795 से 1821 तक, जो कि ब्रिटिश रोमांटिक पोएट, मतलब उन्होंने अधिकतर जितनी भी कविताएं लिखी वो रोमांटिक मूड की कविताएं लिखी। यद्यपि इन्होंने किस चीज़ की ट्रेनिंग ली थी, एक सर्जन की, एक सर्जरी के रूप में इन्होंने ट्रेनिंग ली थी, लेकिन कीट्स ने बाद में डिसाइड किया, फर्दर ही डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ वोली टू पोएट्री, मतलब उन्होंने अपना पूरा जीवन कविता के लिए समर्पित कर दिया। कीट्स सीक्रेट हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स। उनकी जो गुप्त शक्ति क्या थी, उनमें जो पावर थी वो कैसी थी कि जो उसके पाठक हैं, जो रीडर्स हैं, उनको डिलाइट करना। लाइज प्राइमरली इन हिज गिफ्ट ऑफ परसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज पोम एंडोमियन अ पोएटिक रोमांस। उन्होंने अपना पूरा जीवन कविता के लिए समर्पित कर दिया, और उनकी लेखनी में इतनी शक्ति थी कि जो पाठक थे वो क्या थे, जो उनकी कविताओं को पढ़ते थे वो मंत्रमुग्ध हो जाते थे और बहुत खुश हो जाया करते थे। इसमें जो पोएम जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पोएम किसका अंश है, वो पोएम अंश है एंडेमियन अ पोएटिक रोमांस, इस का अंश इस कविता के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लीजेंड इन विच एंडेमियन अ ब्यूटिफुल यंग शेफर्ड एंड पोट पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लैटमस हैड अ विजन ऑफ सिंथिया द मून गॉडेस। द एंचांटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट एंड सो वॉन्डर्ड अवे टू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। अब यहाँ पर ये जो पोम हम पढ़ने जा रहे हैं वो एंडेमियन अ पोएटिक रोमेंस के बीच का एक अंश है। इस पोएट्री में यह बताया है कि एक सुंदर युवा गडरिया रहता है और एक कवि, जो क्या करते हैं कि चांद की जो देवी, जो चंद्रमा की देवी जिसका नाम रहता है सिंथिया, तो एक दिन उन लोगों को चंद्रमा की देवी सिंथिया के दिखाई देती है, और उसकी खोज में वो कहाँ जंगलों में भटकते हैं, समुद्रों के अंदर भी जाते हैं, और वहाँ जाकर के उनको जो जो एक्सपीरियंस होते हैं उसका वर्णन जॉन कीट ने इस पोम में एक अंश, इस पूरी पोम में किया है, एंडेमियन द पोएटिक रोमांस, और उसका एक अंश जो है वो अब हम आगे समझेंगे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अबाउ अवर क्वाइट फॉरेस्ट एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो We are reading a flowery band to bind us to the earth. अब यहाँ पर बता रहे हैं, कवि का कहना है कि थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सुंदर चीजें हमेशा आनंद की बढ़ोतरी करती हैं, उनका आनंद हमेशा बढ़ता है, उनको देखने से, उनको अपने पास रखने से हमेशा आपकी खुशियाँ बढ़ती जाती हैं, इनका जो प्यारापन है, इनकी जो लवलीनेस है वो हमेशा बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, मतलब इनके होने से कभी भी कुछ भी नेगेटिव नहीं होता है, और ये नथिंगनेस यानी कुछ भी नहीं होती है, हमेशा इनके पास रहने से इनके आनंद में बढ़ोतरी होती है और आनंद में कमी कभी नहीं होती। बट विल कीप अबाउट क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। अब वो कहते हैं बावर, बावर का मतलब है कि घने पेड़ों की जो छाया होती है पूरे रास्ते में,
जिस प्रकार से ये दो ट्रीज हैं और इनकी जो शेडी प्लेस यहाँ पे शेड्स आती हैं और इसके बीच का जो रास्ता है उनको यहाँ पे कवि ने कहा बावर। तो ये जो बावर, ये जो घने पेड़ों से गुजरता हुआ जो छायादार रास्ता है, ये क्या करता है? ये भी एक सुंदरता की अभिव्यक्ति करता है। और इससे हमें क्या क्या फायदे हैं? स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, यहाँ पर हमें क्या है, पथिक जो रहता है, जो राहगीर रहता है चलने वाला, इस घने पेड़ों की ठंडी छाया में सो सकता है और सुंदर सपने देख सकता है। इस सुंदरतम छाया में उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और शांति से वो सांसें ले सकता है, मतलब एक सुकून प्राप्त कर सकता है। देयरफोर ऑन एवरी मॉरो, मॉरो का मतलब मॉर्निंग से है यहाँ पर, आर वी ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। तो इसलिए हम हर सुबह जब हम सोते हैं, अच्छे स्वीट ड्रीम देखते हैं, तो क्या होता है, हम हमेशा एक नया फ्लावरी, एक फूलों का गुलदस्ता तैयार कर लेते हैं, एक फूलों से भरी एक जगह अपने मन में और अपने उसमें तैयार कर लेते हैं जो कि इस पृथ्वी को बांधे रखती है। कहने का मतलब कवि का ये है कि अगर दुनिया से सुंदरतम चीजें नहीं रहेंगी तो ये पृथ्वी में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इन सुंदर चीजों के कारण ही हमारी पृथ्वी बाइंड है, यानी बंधी हुई है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर अवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून। अब यहाँ पे कहते हैं कि सुंदरतम चीजों के अलावा भी जो इनह्यूमननेस, मतलब अमानवीयता, लोगों में इतनी क्रूरता भरी हुई है और अच्छी चीजों के, अच्छे एक महान स्वभाव की कमी है दुनिया में। दुनिया में लोगों में क्या है, निराशा है, लोगों में अमानवीयता भरी हुई है, क्रूर उनका स्वभाव हो चुका है। और किस चीज की कमी हो गई है अर्थ पर? नोबल नेचर, एक सभ्य आचरण की कमी हो गई है। अब दिन कैसे हैं? उदास दिन चल रहे हैं और अनहेल्दी, मतलब अस्वास्थ्यकर वातावरण चल रहा है, जो कि किस चीज को सर्च करता है, अच्छी चीजों के लिए सर्च करता है। तो शेप ऑफ ब्यूटी मूव अवे, तो इस प्रकार से जब इस प्रकार की दुनिया हो गई कि निराशावादी, इनह्यूमननेस आ गई, लोगों में नोबल मैनर की कमी आ गई, इस समय, ऐसे समय में जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो क्या करती है, हमारे दिमागों से हमारी काली आत्मा, यहाँ पर बोला है डार्क स्पिरिट, मतलब काली आत्मा, मतलब जो हमारे मन का कालापन है, उसके ऊपर से लगे हुए पर्दे को वो हटा देती है। मतलब हमारे स्वभाव में जो मैलापन है, जो कालापन है, उन सारी चीजों को, ये जो अच्छी चीजें हैं, ये खूबसूरत चीजें हैं, ये हटा देती है, मतलब प्रसन्न रखती है। उसमें कौन कौन है? सच द सन, क्योंकि सूरज की रोशनी क्या करती है, हमारे मन को प्रफुल्लित करती है। द मून, मून की, चंद्रमा की किरणों में भी हमें बहुत अच्छा लगता है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून, जितने भी पेड़ हैं, चाहे वो बूढ़े पेड़ हो चुके हैं या बिल्कुल नए सैपलिंग हैं, जो नए पेड़ उग रहे हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जो शेडी बून है, जो छायादार, ये सारे हमको किसी वरदान से कम नहीं लगते। मतलब सुंदरतम चीजें हमारी जो बेकार निराशाजनक चीजें हैं उनको भी हटाने में मदद करती हैं। नेक्स्ट देखें बच्चों, फॉर सिंपल शीप सच आर एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रेज that for themselves a cooling cover make giants the hot season the mid forest break rich with a sparkling of fair musk rose blooms and such too is the grandeur of dooms we have imagined for the mighty dead or lovely tales that we have heard or read an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven's brink ab yahan par and clear rays that for themselves a cooling cover make against the hot seasons the mid forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms and such too is the grandeur of dooms we have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven's brink ab यहाँ पर बोला गया सिंपल शीप, तो हेयर सिंपल शीप सिर्फ भेड़े नहीं है, आम आदमी, कॉमन मैन के लिए भी है। तो यहाँ पर इन सारी खूबसूरत चीज़ों के लिए जो सिंपल शीप यानी जो भेड़े भी हैं वो छाया में आराम पाती हैं। डैफोडिल्स भी क्या है, एक
सुंदरतम चीज है। तो डेफोडिल्स एक विशेष प्रकार के फ्लावर हैं और जो कि हरियाली में ही क्या पाते हैं, हमको खूबसूरती का अनुभव कराते हैं। और क्लियर रील्स का मतलब है छोटी छोटी बहने वाली जो नदियाँ बहती हैं, तो छोटी छोटी जलधाराएं या जो नदियाँ हैं वो देमसेल्फ अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, यानी गर्म दिनों में, गर्मी के दिनों में ये छोटी छोटी नदियाँ क्या करती हैं, एक हमको शीतलता प्रदान करती हैं, एक पूरी जगह ऐसी बनाती जहाँ से हमको ठंडी छाया मिल सके। तो ये भी क्या है, कूलिंग रील्स, खूबसूरत चीजें हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। अब बोलता है मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड फॉरेस्ट ब्रेक है ना, जहाँ जंगल में, जंगल के पेड़ों के बीच में कुछ ऐसे छायादार नम स्थान रहते हैं जहाँ पर क्या आ जाते हैं, फर्न उगाते हैं, फर्न एक विशेष प्रकार के मॉस रहते हैं, वो उग जाते हैं। और वहाँ पर जो रोज रहते हैं, रोज फ्लावर रहते हैं, वो रोज फ्लावर की जो खुशनुमा सुगंध रहती है वो भी क्या होती है, वातावरण में फैली रहती है। तो वो भी क्या हो गया, एक ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी मिड फॉरेस्ट ब्रेक में उगे हुए जो रोज हैं उनकी जो खुशबू है वो हवा में फैली रहती है। तो ये भी क्या हो गई, ब्यूटीफुल थिंग हो गई भेड़ें, ब्यूटीफुल थिंग हो गए डैफोडिल्स, ब्यूटीफुल थिंग कहला गई क्लियर रिल्स, यानी छोटी छोटी जलधाराएं जो हमें शीतलता प्रदान करती हैं, और इसी प्रकार सुंदर खुशबूदार गुलाबों की खुशबू जो मिड फॉरेस्ट में फैली होती है। सेकंड में कवि क्या कहता है, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिनड फॉर द माइटी डेड। और यहाँ पर थोड़ा सा वो बदल के क्या कहता है कि ग्रैंडियर यानी शानदार मौत, शानदार मौत किसकी होती है, जो देशभक्त होते हैं, जो शहीद होते हैं, जो वीरतापूर्वक काम करते हैं, जिन्होंने कोई सम्मानी सराहनीय कार्य किया होता है, जो समाज सेवा में सबसे आगे रहते हैं, यानी जो मानव होते हुए भी असाधारण कार्य करके चले गए, ऐसे लोगों की जो मृत्यु है वो भी क्या है, ऐसी माइटी डेड, यानी ऐसी शक्तिशाली मृत्यु जो है वो भी एक प्रकार से खुशनुमा अनुभव कराती है। यानी उनकी वीरता पर यदि कोई शहीद होता तो हमको क्या, उनकी वीरता पर, उनकी वीर गति होने पर हमको खुशी का अनुभव होता है। तो ये भी क्या है, ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेथ, इनकी भी जो डेथ है वो भी हमको एक क्या है, खुशनुमा एहसास दिलाती है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, आप क्या बोलते हैं, इन पर बनी हुई जो छोटी छोटी कहानियां हैं जिसको हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, इन कहानियों को पढ़ने और सुनने से भी हमको खूबसूरती का एहसास होता है, सुखी होने का, खुश होने का एहसास होता है। An endless fountain of immortal drink pouring us from the heavens drink. अब वो कहता है कि immortal drink यानी अमृत, ये सारी जितनी खुशनुमा चीजें, जितनी खूबसूरत चीजें दुनिया में मौजूद है, ये सब किसके भांति हैं, जो आकाश, जो स्वर्ग से बहती हुई झरने के किनारे से जो अमृत निकल रहा है उसके समान ये हमको अनुभव कराती है। मतलब जो सुंदरतम चीजें होती हैं वो हमको हमेशा खुशी का एहसास दिलाती है, इनको होने से हमको इमोर्टल ड्रिंक पीने जैसी शांति और अनुभव प्राप्त होता है। तो बच्चों ये थी बहुत एक अच्छी पोयम, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू बच्चों।